सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल बटन को ताकि आप मेरी आने वाली वीडियो देख सकें। तो फ्रेंड्स, आज हम खीरे ककड़ी को हार्वेस्ट करने वाले हैं। मैंने आपको कुछ दिन पहले खीरे ककड़ी को सीड से ग्रो करने का प्रोसेस बताया था। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जो खीरे ककड़ियाँ हैं बहुत अच्छे से ग्रो हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं, मैं अगर पत्तियों को हटाता हूँ तो आप देख सकते हैं बहुत ही हेल्दी मैंने जो ककड़ियाँ ग्रो की हैं वो बहुत सारी लग चुकी हैं। इधर साइड भी आप देख सकते हैं, ये देखिए कई सारी ककड़ियाँ ग्रो हो चुकी हैं। और इधर मैं अगर पत्तियों को हटाऊँ तो ये देखिए साइड की, देखिए काफ़ी बड़ी बड़ी साइज़ की हो गई। तो इस बार मैंने इनको ग्रो बैग में लगाया हुआ है, आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ का ग्रो बैग है। और इस इधर साइड जो खीरे लगे हुए हैं उनमें भी सब फ्रूटिंग हो रही है, तो छोटे छोटे अभी उनमें भी फ्रूट्स आना शुरू हो रहे हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये खीरे का फ्रूट है। तो धीरे धीरे करके हमारे खीरे की भी फ्रूटिंग होने लगी है। तो चलिए अब हम इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं कितनी हेल्दी हमारी ककड़ी के प्लांट पे ककड़ियाँ ग्रो हुई हैं, और इस बार मैंने ग्रो बैग में ग्रो किया है। तो आज हम हार्वेस्ट करने वाले हैं ककड़ी के प्लांट से ककड़ियों को। बहुत सारी ककड़ियाँ मैंने ग्रो बैग में इस बार ग्रो की है। तो चलिए हम पहली ककड़ी को हार्वेस्ट करते हैं। ये देखिए हमारी हेल्दी सी पहली ककड़ी, और इसी तरह से ये देखिए यहाँ पे जो ककड़ी लगी इसको भी हम हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से हम सारी ककड़ियों को हार्वेस्ट कर लेते हैं। अभी ये छोटी है तो मैंने लगभग 4 से 5 ककड़ियाँ तोड़ ली है, और ये काफ़ी हेल्दी सी ककड़ी आप देख सकते हैं। तो आप भी इसी तरह से अपने रूफ पे या टेरेस गार्डन में बहुत ही हेल्दी तरीके से सब्जियों को या फ्रूट्स को ग्रो कर सकते हैं। तो देखिए कितनी सारी हेल्दी ककड़ियाँ हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।